नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपको कोई भी नाम अगर हिंदी में लिख मिलता है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में लिख दें, कैसे लिख दें दोस्त, उसको इंग्लिश में लिख दें, तो आज की इस क्लास में मैं बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको कोई भी नाम अगर हिंदी में मिलता है तो उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। जैसे इसके पिछले क्लास में दोस्त आपको अ से लेकर और बड़े उ की मात्रा तक मैं सिखाया था और बड़े अच्छे तरीके से आप एक एक चीज को सीखे थे यहाँ पे। जैसे कैसे कोई नाम में अगर रहता है राखी ऐसे, तो आप जो है इसका इंग्लिश लिखते हैं आर ए के एच आई, यानी यहाँ पे डबल ए के बदले ए लगाते हैं और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई नहीं लगाकर आई लगाते हैं। ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखा दिया था। आज की इस क्लास में दोस्त मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि कैसे ए से लेकर, यहाँ पे देखिए दोस्त, ए से लेकर और यहाँ पे अह तक मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, जिसके सहायता से आप आसानी से कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मतलब कि अच्छे तरीके से बेझिझक बिना सोचे समझे आसानी से आप चैटिंग कर सकें। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे ये है ए, क्या है ए है और इसका इंग्लिश ई है, क्या है ये ए है और इसका इंग्लिश ई है और इसका मात्रा केवल एक एकले होता है। उसके बाद देखेंगे ये आय है, क्या है दोस्त ये आय है, इसका मात्रा ऐसे दो ठो एकले है, क्या है दो एकले है और इंग्लिश देखेंगे ए आई है, इंग्लिश क्या है दोस्त ए आई है। उसके बाद देखेंगे ये ओ है, इसका मात्रा एक आकार पे ऐसे एक एकले है और इंग्लिश बड़ा आसान है इसका दोस्त, ओ का इंग्लिश ओ ही है। इसके बाद देखिए ये ओ है, ओ का मात्रा ऐसे देख सकते हैं और इंग्लिश ए यू है, क्या है इंग्लिश ए यू है। इसके बाद ये अन है, इसका मात्रा केवल एक बिंदी होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट इसका मतलब कि इसके जगह पे कोई अक्षर आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लगा दिए दोस्त क और क के ऊपर बिंदी ये हो गया, क्या हो गया कन हो गया। जैसे इस डॉट डॉट के जगह पे यदि क लगाते हैं और ये मात्रा लगा देते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये क हो जाएगा। तो यानी इस मात्रा पे हम लोग ध्यान देंगे। आइए दोस्त, यहाँ से हम लोग इन चीजों को क्लियर तरीका से सीखते हैं एक एक करके और आसानी से हम लोग कोई भी शब्द को जो जिसमें ए आ लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में नाम लिखना सीखना है, यानी हिंदी में आपके मन में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है हिंदी में और आप चाह रहे हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे, जैसे आपके दिमाग में आया उसको इंग्लिश में आसानी से लिख दे, बहुत आसान है दोस्त। देखिए यहाँ पे लिखा है गणेश, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है दोस्त गणेश लिखा है। तो देखिए ग ग है तो जी यहां पे लिखेंगे और ए लगा लेंगे। अब देखिए ये अड़ा है, तो अड़ा का इंग्लिश आपको पता है कि एन होता है, क्या होता है अड़ा का एन होता है और इसमें लगा है ये एकले ऊपर, यानी ये वाला मात्रा लगा है, क्या लगा है ये मात्रा लगा है ए का, किसका ए का, तो इसका इंग्लिश दोस्त होता है ई होता है, क्या होता है ई होता है। और ये है तलब्य श, इसका इंग्लिश होता है एस एच, देखिए कितना आसान है, आसानी से आप लिख दिए। तो आपको एक एक मात्रा का इंग्लिश आना चाहिए। देखिए दो तरीके से सीखा जाता है, एक तो बारह खड़ी की सहायता से, जैसे इसको बारह खड़ी की सहायता से आप लिखते तो तुरंत आपके दिमाग में आता जी एस से ग, जी एस से गा भी होता है, जी एस से ग भी होता है। ने है तो एन ई से ने और श का एस एच, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आज की इस क्लास में प्रयास करूंगा कि मात्रा दोनों से लिखेंगे तो वही लिखाएगा, अलग नहीं लिखाएगा, मात्रा से मैं आपको सिखाऊं। तो देखिए तो ये हो गया गणेश, मान लीजिए कि अगर लिखा रहता दोस्त यहाँ पे देवा, क्या लिखा रहता देवा, तो कैसे इसको लिखते, तो देखिए सबसे पहले द का लिखेंगे डी और ये एकले जैसे दिखा ए ई, क्या ई से ए, तुरंत ई लगा देंगे दे वा वा, यानी भी ए, क्या हो जाएगा भी ए, तो क्या हो गया दोस्त देवा हो गया।
अगर लिखा रहे दोस्त रमेश, क्या लिखा रहे रमेश, देखिए इसी टाइप का है तो तुरंत आप लिखेंगे यहाँ पे र का आर ए, क्या लिख लेंगे दोस्त यहाँ पे र का लिख लेंगे आर ए में, यानी एम ई में, एम ई में, और श का एस एच यहाँ पे लिखा है दोस्त सुखदेव, क्या लिखा है सुखदेव, तो देखिए स का लिख लेंगे एस, उ की मात्रा लगा है, क्या लगा है यहाँ पे उ की मात्रा लगा है, तो यू लगा दिए सु, ख का लिखेंगे यहाँ पे के एच, क्या के एच, और देखिए ख अकेला है तो ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, तो सुख हो गया, दे देखिए द में क्या है ए की मात्रा ये वाला, तो द का डी लिखेंगे, और जैसे यहाँ पे देवा में सीखे है ना तो ई लग जाएगा, और वह है तो केवल भी, अगर लास्ट में अकार रहता जैसे यहाँ पे देवा में है तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट में आकार रहेगा तो ए लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, तो इस तरीके से दोस्त यहाँ पे सुखदेव का हो गया, क्या हो गया सुखदेव का। कितना भी बड़ा अगर नाम मिलता है, मान लीजिए कि मिलता है दोस्त मेघनाथ, क्या एक यहाँ पे नाम देखिए जैसे आपको मिलता है मेघनाथ, पहले इस पर हम लोग कुछ शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं कि आसानी से ये हो पाए, मेघनाथ मिलता है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि म में ए की मात्रा है, तो एम ई, एम ई में घ का जी एच ए लगा लेंगे तो मेघ हो गया, ना यानी एन ए ना, ना का क्या हो गया एन ए ना, और थ यानी टी एच, तो क्या हो गया मेघनाथ। अगर लिखा रहता दोस्त देवदूत, क्या लिखा रहता देवदूत, ध्यान दीजिए देवदूत, तो द का यहां पे लिख लेंगे डी, एकले लगा है तो ई, ठीक ना, दे व का भी देव दूत, यानी फिर डी लिखेंगे, और देखिए बड़े उ की मात्रा लगा है तो आप यहां से, मैं आपको सिखाया था कि बड़ी उ की मात्रा रहेगा तो आप यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे डबल ओ भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए भले बड़ी उ की मात्रा है तो आप यहाँ पे दोस्त बड़ी उ का मात्रा का डबल ओ भी लिख सकते हैं और चाहे तो यू भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोनों में से आप कौन लिखेंगे। लेकिन अगर छोटी उ रहता, क्या रहता छोटी उ रहता तो हर हाल में यू ही लिखना पड़ता है। तो यहां से देख लीजिए, अब आपको ये समझ में क्लियर आ गया होगा कि अब यहाँ पे हम यू भी लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग यू भी लिख सकते हैं, चाहे तो डबल ओ भी लिख सकते हैं, एक ही कोई लिखना है, और त का हो गया टी, ऐसे भी लिख सकते हैं देवदूत। अब आपके दिमाग में आ रहा सर भी के बाद ए नहीं लगाए, ये तो गलत लिख दिए आप दोस्त, यही सब चीज को तो समझना है, सिंपल नाम लिखना तो हर किसी को आ रहा है, सब कुछ जानते हैं। देखिए बड़े बड़े नामों को दोस्त दो पार्ट में बांटना है, कितने दो पार्ट में तोड़ देना है, जैसे देव। अब दोस्त इस बोर्ड के माध्यम से एक एक चीज अब आपको क्लियर समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, ये तो अभी कुछ नहीं है, मैं समझी कभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाएगा, हिंदी लिखने वाला तो सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूं, चौथा क्लास कल ही मैं अपलोड किया हूं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्त। और आपको पता होगा कि मेरा तीन चैनल है, एक यह चैनल जो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा जिस पे अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन TUITION ट्यूशन अड्डा सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। दूसरा दोस्त है यहाँ पे ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा, क्या इंग्लिश अड्डा, यानी ट्यूशन के जगह पे इंग्लिश करके, ये फर्स्ट चैनल है, यहाँ पे दूसरा हो गया। एक और चैनल है जिस पर केवल हिंदी सिखाया जाता है, लर्न हिंदी, क्या है दोस्त लर्न हिंदी, यहाँ पे लिखा होगा ये लर्न हिंदी ऐसे, ठीक ना। तो आप इस तरीका से यहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख सकते हैं, यहां से दोस्त आप केवल इंग्लिश सीखेंगे, ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा पे केवल इंग्लिश का क्लास कराया जा रहा है तो इंग्लिश सीख सकते हैं, और यहाँ पे तीसरा पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, ज्यादातर हिंदी का क्लास अपलोड होता है बिल्कुल बेसिक लेवल से, कुल मिलाकर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक और चैनल है दोस्त मैथ का, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे मैथ भी चाहिए,
तो ऑनलाइन मैथ्स अड्डा भी है, आपको पता होगा ऑनलाइन मैथ्स अड्डा। तो चलिए यहां पे हम लोग चीजों को समझते हैं कि जो ये देवदूत है तो यहां पे इसको दो तरीके से कैसे तोड़ना है। देखिए देव, यहां पे देखिए देव प्लस दूत, तो देव का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, डी ई भी लिख देंगे। इसको हटाइए, सॉरी। देखिए समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, देवदूत। तो देखिए देव यानी पहले देव, देव का लिखेंगे डी ई भी, देव दूत तो डी डबल ओ टी लिखिए या डी यू टी लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे डी ई भी डी डबल ओ टी, तो ये सही होगा आपका, गलत नहीं होगा। यानी यहां पे आप इसको चाहे, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं डी ई भी ए, समझिए बात को, डी ई भी ए डी डबल ओ टी ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। समझिए चीज को, गलत नहीं होगा इस रूल के तहत। जैसे मेघनाथ लिखा था ना, तो मेघनाथ को आप एम ए, देखिए यहां पे समझिए, मेघनाथ को आप एम ई में घ का जी एच, यहां पे ए नहीं भी लगाएंगे जी एच के बाद तो चलेगा, नाथ का लिख लेंगे एन ए टी एच, नाम में इतना चलता है, नाम में इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि एक ही मात्रा वाले आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्त यहां पे हम लोग आय की मात्रा से समझते हैं, किस पे, आय की मात्रा पे समझते हैं कि जो यहां पे देख सकते हैं, समझिए चीजों को, एक एक चीज को मैं अरेंज किया हूं आपको सिखाने के लिए दोस्त, ठीक ना। यहां पे देखिए आय का, देखिए ये क्या है, आय है, इसका मात्रा ए, दो ठो एक ले और इंग्लिश ए आई है। जैसे लिखा है कैलाश, क्या लिखा है दोस्त, कैलाश लिखा है, तो कैलाश को कैसे लिखेंगे, क का लिख लेंगे यहां पे के, और ये जो दो ठो एकले है इसका यहां से हम लोग लिख लेंगे दोस्त ए आई, क्या लिख लेंगे ए आई। बाकी तो आसान हो गया, ला का हो गया एल ए और श का हो गया एस एच, कैलाश का हो गया। इस पे कुछ शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए रहता है दोस्त यहां पर रैदास, समझिए रैदास, तो इसको कैसे लिखते, तो सबसे पहले राय का लिखेंगे, राय का होगा आर ए आई राय, दा डी ए दा और स का एस, रैदास हो गया। अगर रहता यहां पे दोस्त मैदान, क्या रहता मैदान, तो कैसे लिखते, म का यहां पे हम लोग लिख लेते एम, दो ठो एकले है तो ए आई, दा का हो गया डी ए और न का हो गया एन, क्या हो गया मैदान। अगर लिखा रहता दोस्त जैन, क्या लिखा रहता जैन, देखिए जैन, तो ज का लिखते जे, यहां पे ज का क्या लिखते जे लिखते, और ये दो ठो जो एकले है इसका ए आई लगाते और न का एन, तो क्या हो गया जैन का हो गया। अगर रहता दोस्त यहां पे शैतान, क्या रहता है यहां पे देखिए शैतान, शैतान, तो स का लिखते एस, इसका लिखते ए आई, ता का लिखते टी ए और न का लिखते एन, तो क्या हो जाएगा शैतान। इसी तरीके से कैसा भी शब्द आपको मिलेगा तो आसानी से आप लिख पाएंगे। सॉरी थोड़ी सी गला में प्रॉब्लम हो गया है दोस्त। तो देखिए यहां पे ए का सीख लिए और आय का सीख लीजिए। अब यहां पे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए, इसके बाद वाले क्लास में ओ औ का मैं करा दूंगा। चलिए शब्द लिखेंगे दोस्त यहां पे लैला, क्या लिखेंगे लैला, प्रैक्टिस भी करना है साथ में। दूसरा शब्द नैनी, तीसरा शब्द यहां पे दोस्त, तीसरा शब्द लिखेंगे मेला, दोनों से है। चौथा शब्द लिखेंगे
नैनी ताल, नैनीताल। और पांचवा शब्द यहाँ पे आपको लिखना है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप मिला लीजिएगा कितना आप सही लिख पा रहे हैं। तीसरा शब्द आप लिख लेंगे यहाँ पे हैदराबाद, क्या लिख लेंगे? हैदराबाद, हैदराबाद। चलिए आप कमेंट बॉक्स में इस पांचों का इंग्लिश लिखकर अभी भेजिए, मैं लिखता हूं, आप मिलाइए। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, जैसे लिखा है लैला, तो अभी आप सीखे हैं कि दो ठो एकले का क्या होगा, ए आई हो जाएगा। तो ल का यहाँ पे एल लिख लिए, ए आई लगा देंगे, और ला है तो एल ए, आसान है, ला है तो एल ए, ठीक है। लैला यहाँ पे लिखा है नैनी, न का एल लिख लेंगे, अब इसका ए आई हो जाएगा, नी यानी एन आई, तो क्या हो गया, नैनी। और इसी में जुट गया है दोस्त ताल, तो देखिए कितना आसान हो गया, एन ए आई, एन आई, नैनी ताल, टी ए एल। इसी तरीके से छोटे छोटे शब्द की सहायता से बड़े बड़े नामों को भी सीखा जाता है, जैसे नैनीताल जगह का नाम है, ठीक ना। यहाँ पे ए वाला में देखिए लिखा है मेला, तो एम ई मे ला, एल ए ला, मेला। ये लिखा है दोस्त हैदराबाद, तो देखिए ह का लिख लेंगे एच, दो ठो एकले है यानी ए आई है, द का डी ए लगा लेंगे, रा का आर ए हो जाएगा, हैदरा, बा का बी ए और द का डी, क्या हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है और आसानी से ये सब चीज सीखना है। अब आगे बहुत सारे क्लासेज अपलोड होंगे इस चैनल पे, पूरे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से चीजों को सिखाया जाएगा दोस्त, क्योंकि जमाना बदल रहा है, तो आपको भी बदलना होगा, मुझे भी बदलना होगा। चीजों को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको बेहतर ढंग से चीजों को सीखना होगा। तो दोस्त आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्त आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।